उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल भारत में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पौष्टिक आहार का जीवन में क्या महत्व है इस बारे में जानकारी देना है। इस बार की जो थीम है उनमें से एक थीम है अनीमिया। अतः आज मेरे व्याख्यान का विषय आपको अनीमिया के विषय में सामान्य जानकारी देना है। अनीमिया, अनीमिया मतलब रक्तल्पता। रक्तल्पता का साधारण मतलब है रक्त की कमी। यह लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाला एक पदार्थ हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, ऐसा प्रोटीन जो उन्हें फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाने और शरीर के सभी भागों में पहुंचाने में सक्षम बनाता है। जब रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी हो जाती है तो रक्त ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। ऊतकों में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति की वजह से अनीमिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनीमिया के संभावित लक्षण क्या होते हैं। जब भी किसी में अनीमिया की शिकायत होती है तो उसे थकान और कमजोरी, नाखूनों का टूटना, सांस लेने में तकलीफ होना, त्वचा में पीलापन, सर दर्द, ठंड लगना, छाती में दर्द, दिल की धड़कन का तेज होना, मांसपेशियों में ऐठन एवं बालों का झड़ना, इस प्रकार के लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं। अनीमिया के जोखिम कारक। सबसे पहला है विटामिन और खनिजों की कमी वाला आहार। यदि आपके आहार में पर्याप्त आयरन, विटामिन B12 और फोलेट नहीं है तो यह अनीमिया के जोखिम को बढ़ाता है। अगला है छोटी आंत की जटिलताएं। क्रोहन रोग एवं सिलिएक रोग जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आंत द्वारा आयरन के एब्जॉर्प्शन को अवरोधित कर सकती हैं, तो ऐसे केस में अनीमिया का जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो हमारी जो छोटी आंत है वो आयरन को अवशोषित नहीं कर पाती है और किसी भी व्यक्ति में अनीमिया का जोखिम बढ़ सकता है। अगला है दीर्घकालीन बीमारी। कोई भी व्यक्ति जो कैंसर, गुर्दे की खराबी, मधुमेह या किसी भी प्रकार की कोई भी दीर्घकालीन स्वास्थ्य स्थितियों से गुजर रहा हो तो उसमें भी अनीमिया का जोखिम बढ़ सकता है। अल्सर होने से शरीर से रक्त का नुकसान शरीर के आयरन संग्रह का उपयोग कर सकता है, जिससे कि आयरन की कमी होती है और व्यक्ति में अनीमिया हो सकता है। अगला है पारिवारिक इतिहास। यदि आपके परिवार में किसी को भी अनीमिया है और ये वंशानुगत है तब भी उस व्यक्ति में अनीमिया का जोखिम बढ़ सकता है। अगला है आयु। जो लोग 65 वर्ष की आयु से अधिक आयु के होते हैं उनमें भी अनीमिया का जोखिम बढ़ता है। अगला है लिंग। महिलाओं में प्रतिमाह रक्त की हानि होने के कारण अनीमिया होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। अन्य कारक जैसे धूम्रपान या शराब का सेवन करना भी आपके शरीर में अनीमिया के जोखिम को बढ़ाता है। अनीमिया की रोकथाम। अनीमिया के जोखिम को कम करने के लिए आहार में हमें निम्न पोषक तत्वों को शामिल करना होता है। सबसे पहला है आयरन। इसमें आयरन युक्त आहार जैसे कि मांस, बीन, दाल, आयरन, फोर्टिफाइड अनाज एवं गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां एवं सूखे मेवे शामिल हैं। इस प्रकार के आहार का सेवन करने से आप में अनीमिया का जोखिम कम हो सकता है। फोलेट। यह फलों और फलों के रस एवं गहरे हरे पत्तेदार सब्जियों, हरी मटर, राजमा, मूंगफली और समृद्ध अनाज उत्पादों जैसे कि पास्ता, चावल एवं प्रबलित उत्पादों में पाया जाता है। इसके सेवन द्वारा भी अनीमिया के जोखिम को कम किया जा सकता है। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ हैं मांस, डेयरी उत्पाद, फोर्टिफाइड अनाज एवं सोया उत्पाद। इस प्रकार के उत्पादों के सेवन द्वारा भी अनीमिया के जोखिम को कम किया जा सकता है। अगला है विटामिन सी। यह अति आवश्यक पोषक तत्व है। यह हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिसके द्वारा अनीमिया के जोखिम को कम किया जा सकता है। यह खट्टे फलों में एवं ब्रोकली, टमाटर, खरबूजे और स्ट्रॉबेरी में मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं कि अनीमिया से निपटने के लिए सरकार की क्या पहल है।
पहला है अनीमिया मुक्त भारत। इसे 2018 में अनीमिया की गिरावट की वार्षिक दर को 1-3% अंक तक बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल कार्यक्रम के सघन हिस्से के रूप में आरंभ किया गया था। इसका लक्षित समूह 6-49 महीने के बच्चे, 5-9 वर्ष के बच्चे, 10-19 वर्ष के किशोर लड़कियां एवं लड़के, 15-49 वर्ष की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं आती हैं। अगला है साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किशोरों एवं किशोरियों में अनीमिया की उच्च व्यापकता की चुनौतियों से निपटने के लिए किया जा रहा है। आयरन फोलिक एसिड टैबलेट को सप्ताह में एक बार होने वाले पर्यवेक्षण के तहत वितरित किया जाता है। अगला है ब्लड बैंक संचालन। गंभीर अनीमिया के कारण होने वाली जटिलताओं से निपटने के लिए जिला अस्पतालों एवं उपमंडलीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसे उप जिला केंद्रों में रक्त भंडारण इकाइयों की मदद ली जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इस योजना को अनीमिया के मामलों का पता लगाने और इलाज करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों की मदद से प्रति माह की 9 तारीख को विशेष ANC जांच शिविर का आयोजन करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आता है कृमि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए वर्ष में 2 बार एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है। अनीमिया और गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के मामलों की रिपोर्टिंग एवं ट्रैकिंग के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और मातृ शिशु ट्रैकिंग प्रणाली का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनीमिया के लिए गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक जांच प्रसव देखभाल का एक अहम हिस्सा है और सभी गर्भवती महिलाओं को उपकेंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से उनका प्रसव पूर्व अवधि के दौरान आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोलियां उनको प्रदान की जाती हैं। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि अनीमिया एक प्रचलित चिकित्सीय स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के अनीमिया, उनके कारणों, लक्षणों एवं निदान एवं उपचार विकल्पों को समझना अति आवश्यक है। समय पर निदान एवं उचित हस्तक्षेप लक्षणों को कम करने में समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने एवं अनीमिया की संभावित जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकता है। धन्यवाद।